साल 1985 की बात है। समंदर के किनारे एक शख्स मौजूद होता है। वो लाइट हाउस पर डेली रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पर समंदर के अंदर से आई हुई एक लड़की की वो जान बचाता है, जो कि एटलांटिस की शहजादी होती है। बेसिकली एटलांटिस पानी के अंदर रहने वाले एक बहुत बड़े शहर का नाम है, जहाँ से ये लड़की आई होती है। ये दोनों बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ वक्त के बाद शादी कर लेते हैं। और अब कुछ वक्त गुजरता है और इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम आर्थर है। आर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो तमाम सी क्रिएचर से बात कर सकता है, यानी कि समंदर में रहने वाली तमाम मखलूकात से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं कि एटलांटियन सोल्जर्स इनके घर पर आ जाते हैं। इन सोल्जर्स का मकसद एटलांटिस की शहजादी को वापस लेके जाना होता है, क्योंकि वो उस पर अटैक करते हैं तो मजबूरन शहजादी को अपनी फैमिली और अपने बेटे को छोड़ना होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो ये सोल्जर्स उसकी फैमिली को मार देते। तो उनकी जान बचाने के लिए वो उनके साथ वापस चली जाती है। शहजादी को अपने एक खास एडवाइजर पे बहुत ट्रस्ट होता है और वो उसे कहती है कि तुम आर्थर को ट्रेन करो, उसे एक स्किल वॉरियर बनाओ ताकि वो लड़ने के तमाम तरीके सीख सके, बिल्कुल हमारी तरह। आर्थर अब बड़ा हो चुका होता है। आर्थर को बुलाया जाता है कि तुम एटलांटिस वापस आ जाओ, क्योंकि तुम फर्स्ट सन हो, तुम वहां के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है, सिर्फ इस बात पर कि उसकी माँ को सिर्फ इस वजह से मारा गया था कि उसने एक इंसान से प्यार किया था, उससे शादी की थी और मैं उनमें से हुआ हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूँ। मेरे लिए ये वजह बिल्कुल फजूल है, मैं एटलांटिस बिल्कुल नहीं आऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पायरेट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और यहाँ पर आर्थर आकर इनको बचाता है। लड़ाई के दरमियान इन पायरेट्स का लीडर मर जाता है, जिसको आर्थर मारता है, और इस लीडर के मरने वाला बेटा डेविड भी वहाँ पर मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थर यानी कि एक्वामैन ने उसके फादर को मारा है तो वो उससे बदला लेने का ठान लेता है। अब हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ओर्म है। ये एटलांटिस का किंग बनने वाला होता है और ये आर्थर का सुतेला भाई भी है, जो पानी के अंदर रहता है, यानी कि एटलांटिस के अंदर रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूं कि ओर्म पानी के अंदर रहता है और आर्थर ऊपर जमीन में रहता है। ओर्म मुख्तलिफ किंग्स से मिलता है। ये किंग्स एटलांटिस के आसपास रहने वाले सिटीज के होते हैं, जो कि पानी के अंदर ही होते हैं। ओर्म उनमें से एक किंग को कहता है कि हमें अपर सरफेस पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समंदर को गंदा कर रहे हैं पोल्यूशन की मदद से, वो लोग बहुत पोल्यूशन फैला रहे हैं। लेकिन वो किंग इस फेवर में नहीं होता कि जमीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक किया जाए, लेकिन वो ये भी देखता है कि अगर ओर्म का साथ बाकी किंगडम के रहने वाले चार बादशाहों ने दिया तो ओर्म को ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, यानी कि ओर्म कमांडर बन जाएगा और इसका ही फैसला माना जाएगा। अभी उस किंग और ओर्म की बात चल ही रही होती है कि एक रशियन सबमरीन आती है और वो इन पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ओर्म उस किंग की जान बचाता है और इस चीज को देखते हुए वो किंग ओर्म का साथ देने का इरादा करता है। उस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है, जिसकी शादी ओर्म से होने वाली होती है, लेकिन वो उसे शादी नहीं करना चाहती और इसको एक ही तरीका नजर आता है, जो कि आर्थर है। उसको लगता है कि अगर आर्थर इधर आ जाए तो ओर्म किंग नहीं बनेगा और वो अपर सरफेस पे जाती है, यानी कि जमीन पर आती है। यहाँ पर वो आर्थर से मिलती है और उसे हेल्प मांगती है कि तुम पानी में वापस आ जाओ, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो तो तुम किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद मीरा उसका ट्रस्ट जीत लेती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समंदर की लहर ओर्म ने जमीन की तरफ भेजी होती है। यहाँ पर मीरा आर्थर के फादर की जान बचाती है। आर्थर इस चीज को देखता है और मीरा की तरफ उसका ट्रस्ट बन जाता है और वो मीरा के साथ पानी में आ जाता है। यहाँ पर आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है, जिसने उसे तमाम लड़ने के स्किल सिखाए होते हैं। ये वही सोल्जर है जो उसकी मदर का सबसे ट्रस्टेबल सिपाही था। ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना है, इसमें बहुत सी ताकत है और बहुत सा जादू है, और जिसको ये ट्राइडेंट मिल गया उससे बगैर सवाल पूछे उसको किंग बना दिया जाता है, क्योंकि इस ट्राइडेंट के अलावा ओर्म तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा, वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम उसे लड़के भी क्लेम करना चाहोगे तब भी वो तुम्हें जीतने नहीं देगा। अभी बात हो ही रही होती है कि ओर्म के कुछ सिपाही यहाँ पर आकर अटैक कर देते हैं और आर्थर को पकड़ लिया जाता है। आर्थर को जंजीरों में जकड़े हुए ओर्म के सामने पेश किया जाता है। ओर्म इस पर ब्लेम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई, यानी कि तुम्हारी वजह से क्वीन को फांसी पर लटकाया गया। ओर्म फिर भी उसका भाई होता है और वो आर्थर को कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी पानी में लौट के मत आना। लेकिन आर्थर उस पर गुस्सा होता है और उसको चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यहाँ पर आर्थर और ओर्म की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ओर्म का अपर हैंड होता है, क्योंकि वो हमेशा से पानी में रहा होता है और आर्थर के लिए ओर्म को पानी में हराना बहुत मुश्किल है। लड़ाई जारी रहती है और आखिरकार आर्थर मरने ही वाला होता है कि मीरा वहां पर आ जाती है और आर्थर को बचा लेती है। अब जिस ट्राइडेंट की ये लोग तलाश कर रहे होते हैं उसको हासिल करने के लिए ये लोग सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट में ये वही जगह है जहां पे ये ट्राइडेंट को बनाया गया था। यहां पर इन्हें एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो इशारा करता है कि इनको इटली जाना है और वहीं पे इनको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि ये ट्राइडेंट इस वक्त कहां मौजूद है। ट्राइडेंट बेसिकली एक बड़े से नेजे की तरह होता है, जिसमें बहुत सी मैजिकल पावर्स हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओर्म डेविड से मिलता है। डेविड वही शख्स है
जो मरने वाले पायरेट का बेटा था और एक्वामैन से बदला लेना चाहता है। यहाँ पर हमें ये भी रिवील होता है कि वो रशियन सबमरीन जिसने पानी के बादशाह पर अटैक किया था वो डेविड और ओर्म की मिली साजिश से हुआ था, यानी कि ये ओर्म का ही प्लान था कि डेविड उस बादशाह पर अटैक करे और वो उसकी जान बचा ले जिसकी सिंपथी में वो बादशाह ओर्म का साथ दे। ओर्म यहाँ डेविड को लेटेस्ट अटलांटियन बैटल सूट भी देता है। ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है जो सिर्फ पानी में रहने वाले लोगों के पास हो। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और उसको देखकर बहुत खुश होता है कि अब उसका बदला पूरा होगा आर्थर को मार के। यहाँ पर ओर्म एक और पानी में रहने वाले किंगडम जिसका नाम किंगडम ऑफ फिशरमैन है उनके किंग को मार देता है और उनको मजबूर करता है कि वो ओर्म का साथ दें, क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन के किंग मर चुके होते हैं। वो क्वीन और प्रिंसेस को फोर्स करता है और उन्हें कहता है कि तुम अगली कतार में यानी कि जंग की अगली लाइन में लड़ोगे और उनको फौज जमा करने के लिए कहता है। यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो ओर्म की तरफ से दिए गए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कुछ बदलता है और अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाता है। ये इसका नाम ब्लैक मेंटा रखता है। डेविड इस सूट को पहनकर बहुत पावरफुल हो जाता है और अब हम देखते हैं कि आर्थर और मीरा इटली के अंदर जा रहे होते हैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तलाश में और ये वहां पर अटैक कर देता है। डेविड यानी कि ब्लैक मेंटा और आर्थर की बहुत लड़ाई होती है। बिलाखिर आर्थर डेविड को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, लेकिन इस लड़ाई के दरमियान आर्थर बहुत जख्मी हो चुका होता है। मीरा आर्थर के जख्मों को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। वो उसको कहती है कि तुम्हें किंग बनना है और तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते, तुम्हें करेज दिखानी होगी एक किंग की तरह। और अब वो ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफर के दरमियान ये लोग डिफरेंट मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और इनसे बचते बचाते बहुत मुश्किल से अर्थ के दरमियान वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, यानी ये पूरी अर्थ का सेंटर है। यहाँ पर वो पहली बार अपनी माँ को देखते हैं यानी कि क्वीन एटलाना, जिसने खुद की कुर्बानी दे दी होती है इस ट्रेंच में आके, क्योंकि इस ट्रेंच में आने का मतलब है मौत, फांसी। लेकिन क्वीन एटलाना भी बच चुकी होती है, उसको कुछ नहीं हुआ होता और वो काफी अरसे से यहीं पे सरवाइव कर रही है। और अब आर्थर और मीरा भी यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। ये तीनों आपस में मिलते हैं और ये एक इमोशनल सीन है। अब ये ट्राइडेंट के बहुत करीब है, लेकिन आर्थर यहाँ से अकेला ही आगे जा सकता है। मीरा या उसकी माँ उसका साथ नहीं दे सकते। आर्थर आगे बढ़ता है ट्राइडेंट की तलाश में। इसको वो एंशियंट ट्राइडेंट मिल जाता है, लेकिन जब वो उसको हासिल करने जा रहा होता है तो इस पे लिवियथन अटैक कर देता है। बेसिकली लिवियथन इस ट्राइडेंट का कीपर होता है, यानी कि इस ट्राइडेंट की हिफाजत करता है। लिवियथन ड्रैगन और सांप की तरह होता है, ये बहुत बड़ा होता है और वो उसे ये भी कहता है यहाँ ऐसे जो भी हासिल करने आया था वो वर्दी नहीं था और उन सबको मैंने मार दिया। जैसा कि हमने शुरू में जाना था कि आर्थर समंदरी मखलूक से बात कर सकता था, तो ये उससे बात करता है। तो ये ड्रैगन और सांप जैसी मखलूक इसको कहती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आज से पहले किसी ने मुझे नहीं सुना। आर्थर उसे अपनी वर्थ बताता है और क्लेम करता है कि ये ट्राइडेंट का हकदार मैं हूँ और मैं वर्दी हूँ कि सेवन सीज पर मेरी हुकूमत होनी चाहिए। बिलाखिर लिवियथन उसकी बात मान लेता है और आर्थर उस ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। ये ट्राइडेंट हासिल करने के बाद आर्थर की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समंदर के अंदर रहने वाले तमाम किंगडम्स ओर्म का साथ दे रहे होते हैं, इसी वजह से ओर्म खुद को ओशन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी कि अब इसके डिसीजंस चलेंगे। यहाँ पर ओर्म का साथ देने वाले किंगडम्स को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है और रूल और कानून के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वही असली किंग होगा, वही ओशन मास्टर होगा, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इनको कन्फर्मेशन मिलती है कि ट्राइडेंट अब आर्थर के पास है, लेकिन ओर्म को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता, जो सबसे ज्यादा बहादुर होगा, जिसके पास ज्यादा स्किल्स होंगे, वही ओशन मास्टर होगा, वही सब किंगडम्स पर हुकूमत करेगा। यहाँ पर एक बार फिर से आर्थर और ओर्म की लड़ाई होती है जो एक सबमरीन के ऊपर हो रही होती है। आर्थर ओर्म को इस लड़ाई में हरा देता है, लेकिन वो इसको जान से नहीं मारता और इसको जिंदा छोड़ देता है। और यहाँ पर क्वीन एटलाना भी सामने आ जाती है और वो जब देखता है कि आर्थर ने उसकी मदर की जान बचाई है, वो अपनी किस्मत को मान लेता है और हार मान के खुद की गिरफ्तारी दे देता है और एटलांटिस के सोल्जर इसको पकड़ कर ले जाते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्वामैन फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।